ये सब जी जी ये ठीक है ठीक बातें है ठीक है इसीलिए कही जाती हैं, इनका प्रभाव पड़े। और निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है, यदि नहीं पड़ता होता तो कहते क्यों। देखिए, इस मामले में बाघेला साहब का वो बयान बड़ा मायने रखता है कि किस तरीके से उन्होंने जो कहा कि किस तरीके से साबरमती एक्सप्रेस का वो डिब्बा जलवाया गया था, शब्द जलवाया गया था। रिपोर्ट कहती है कि साबरमती एक्सप्रेस का जिसमें कार सेवक जा रहे थे वो डिब्बा अंदर से जला था, ये बात साइंटिफिक एविडेंस में प्रूव हुई है। तो साहब ये बात तो सामने है। अब जलवाया गया, किसने जलाया, क्यों जलाया, अंदर से कैसे जला, तो इसका मतलब है किसी हमलावर ने नहीं जलाया, अंदर ही साजिश करता बैठे थे, वो जला करके कहां से निकल गए और क्या कर। यह साबित करता है, और उसके बाद में उन्हीं की बात से बिल्कुल साबित होता है उस घटना की प्रक्रिया होना स्वाभाविक थी, ये बात वो जानते थे और इसीलिए सब कुछ हुआ। आज उसी को फिर जहर बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वह वहां पर एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है, क्योंकि प्रभावित करता है तो उसके मन में बार बार घृणा को यदि नफरत को जगाए रखेंगे तभी आपके वो वोट में तब्दील होगा। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हर जगह, यही नहीं, कहीं पर भी होता है तो वो जहां पर भी नफरत का खेल हो उससे वो पीछे नहीं हटते। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता गए हैं, अमित शाह ही नहीं, चाहे हेमंत विश्वा शर्मा गए हो, चाहे और योगी आदित्यनाथ गए हो, या जो भी नेता जा रहे हैं, वो नफरत के पुट वहां साथ साथ छोड़ते जा रहे हैं। नफरत पे बार बार बात करते हैं, वो अपने काम तो गिना नहीं पाते। 27 साल से आप हैं, 27 साल में आप समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लेके आए? आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, क्योंकि आपको चुनावी मुद्दे बना। आप वहां पर कश्मीर का नाम बेचते हैं, वहां पर आप जो है तमाम सारे कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं और फिल्म फ्री में दिखाई जा रही है सब कश्मीर फाइल। क्यों? क्योंकि आप भड़काना चाहते हो, भड़काऊ फिल्म बनाई गई, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह की स्थितियों के जरिए वो सत्ता हासिल करने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है वो सामने है। और मैं समझता हूं इतना वोकल है जनता, बोल रही है लगातार। आप देखिए, स्मृति ईरानी की खुद की सभा में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ने सवाल खड़ा कर दिया कि मैडम ये बताइए, ये जो महंगाई है, चीजें हैं, ये सब कब खत्म होंगी? इससे तो हम प्रभावित हैं, हमारे भी 3 बेटियां हैं और ये स्थिति है, हम कैसे करेंगे? तो आप समझिए, संसद में वो कहते हैं महंगाई है ही नहीं उनके लोग, तो साहब महंगाई नहीं है। देश की वित्त मंत्री सब्जी लेने जाती है और कहती है महंगाई नहीं है, सब कुछ तो उसी तरह मिल रहा है। तो हुजूर, ये वही है कि अपने जहां पर होता है वहां झूठ, झूठ पर झूठ, इतना झूठ कि झूठ ही सच लगने लगे। यही इनकी जो गोयबल्स का वो है उसी को ये फॉलो करते हैं, हिटलर के। उसको आज बड़ा अच्छा टेलीग्राफ ने हेडलाइन दी है, यदि आपने देखी हो, टेलीग्राफ की हेडलाइन इतनी बेहतरीन है। एक हिटलर का बयान है और उसको उन्होंने दिखाया, और फिर अमित शाह का बयान दिखाया जो उन्होंने 2002 के बारे में कहा, दोनों की समानता दिखा दी। तो यह इस बात को दर्शाता है कि ऐसे लोग इसी तरह की नफरत के बूते खड़े होते हैं, इसलिए ये सारे खेल करते हैं। वहीं ये लोग बी टीम के रूप में, सी टीम के रूप में कुछ लोगों को वो करते हैं, जैसे ओबैसी है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है। आप देखिए, इतने समय से सारी चीजें सीबीआई जांच और इतने छापे और ये, और जब गुजरात के चुनाव शुरू हुए उसी के इर्द गिर्द ये सब ड्रामे शुरू हो गए। उसके बाद में कोई जहां पर बहुत सब कुछ हो, क्या राज्यपाल को अधिकार नहीं है कानूनन की जेल में बंद एक मंत्री, नियम है कि 3 दिन यदि वो बंद रहता है तो बर्खास्त कर दिया जा सकता है, क्यों नहीं किया?
वो सब जगह अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं, यहां क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपस में यह भी शो करना है कि साहब हम ही दोनों दुश्मन, और इसके आधार पर वो दूसरी जगह जहां जहां वो करने जा रहे हैं वहां पर इसका बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि दोनों की पैदाइश संघ से, तो जो संघ प्रायोजित खेल से पैदा हुए हैं वो इस खेल को भी प्रायोजित करते हैं। तो कमोवेश यही खेल चल रहा है। जैसे आपको याद होगा मायावती और ओवैसी की कभी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन उनका गठबंधन हो गया और बिहार में जाके गठबंधन लड़ लिया, उसने हराने का काम कर दिया सीटें। तो ये सामने ये सबूत मौजूद हैं कि किस तरीके, जबकि मायावती को जो लोग जानते हैं, सारे पत्रकार लगभग सीनियर हैं, सब लोग जानते हैं, तो आप वो जानते हैं कि बगैर मायावती के कुछ वहां होता नहीं है। आप बताइए, मायावती से बगैर मिले सब कुछ हो जा रहा है, गजब है। मायावती पंजाब में आकर के किस तरीके से मतलब आती नहीं है, उनसे मुलाकात भी नहीं होती है और गठबंधन हो जाता है। तो ये सारे खेल को यदि आप समझेंगे तो ये उसी तरीके से है कि कैसे नुकसान पहुंचाया जाए 2% 4% और इससे, और उनको ना आने दिया, क्योंकि वैचारिक रूप से पूरे देश में यदि भारतीय जनता पार्टी का किसी से वास्तविक विरोध है तो वो कांग्रेस पार्टी से है, और कांग्रेस पार्टी का यदि किसी से वैचारिक तौर पर स्पष्ट विरोध है तो भारतीय जनता पार्टी से है। इसीलिए वो दो मतलब उन कांग्रेस के अलावा कोई आ जाए चल जाएगा। आप देखिए ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, ममता बनर्जी ने ऐसे प्रस्तुत किया था कि वो विक्टिम है, और पूरे चुनाव में अंत में कांग्रेस और वाम दल भी विड्रॉ कर गए थे। स्थिति ये हुई कि वो जीत गए, उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया। नतीजा क्या है, आज ममता बनर्जी जगह जगह बड़ाई करती घूमती है प्रधानमंत्री की, और अब शुभेंदु अधिकारी भी उनके भाई दिखाई देते हैं जिन पर वो आरोप लगा रही थी मेरी टांग तोड़वा दी। तो चुनाव भर वो लंगड़ाते चलती रही प्लास्टर बना के, और जिस दिन चुनाव खत्म हुआ प्लास्टर कट गया, आप समझ लीजिए। तो ये खेल वास्तविक कैसे है और किस तरह स्क्रिप्ट लिखी जाती है, संघ के कार्यालय में लिखी गई स्क्रिप्ट पर सारा काम होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी और बातें इस पे करेंगे, लेकिन प्रेम कुमार जी कांग्रेस की बात कर रहे हैं अजय शुक्ल जी, बिल्कुल सही कि बीजेपी जो है कांग्रेस, और कह भी रहे हैं ये लोग जब भी वहाँ गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कि हमारे सामने कांग्रेस है, वो AIMIM या आम आदमी पार्टी की बात नहीं करती है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस